हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ कि हम लोग कभी कंफ्यूज होते हैं कि मिरर कैमरा और नॉर्मल कैमरा में। नॉर्मल कैमरा में हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्मल कैमरा में वीरे का आउटपुट अच्छा नहीं आता है, वीरे कैमरा में वीरे का आउटपुट अच्छा आता है, तो वीरे कैमरा ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न वो इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे कि क्या ऐसा है कि नहीं, और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixelary.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी ये जो आप रेंडर देख रहे हो, जो ये रेंडर आपको नज़र आ रहा है, ये फुल ऑन फुल यूज़ किया गया है नॉर्मल कैमरा। ठीक है, ये देख सकते हो नॉर्मल कैमरा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तब तो सही लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी दिख रही है। अगर मैं इधर पे यूज़ करूँ इसके जगह पे फिर एक कैमरा, अभी मैंने कैमरा एक्टिव नहीं किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो कैमरा इधर पे मैं यूज़ करता हूँ एक कैमरा जो होगा वीरे कैमरा। तो वीरे कैमरा हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, फिजिकल कैमरा, ठीक है, एक्टिव हो गया। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो इधर पे जो भी व्यू पोर्ट होता है उस पर वो कन्वर्ट कर लेता है डायरेक्टली इधर पे क्लिक करने से। मैंने इधर पे व्यू पोर्ट एक्टिव कैमरा जो होता है, ठीक है, तो उसमें ही वो कन्वर्ट कर देता है उसी कैमरा के एंगल में। देखो यहाँ पर हो गया, एक बार मैंने क्लिक किया वन क्लिक एंड डायरेक्टली उसी एंगल पे मेरा वो कैमरे की जगह पे सिम वीरे कैमरा मेरा प्लेस हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं रेंडर करता हूँ तो क्या रेंडर आउटपुट सेम आएगा या फिर अलग आएगा, अभी इधर पर भी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं कि जो मैंने प्रीवियसली जो सेव किया था मैंने फाइल, उसको मैं कर लेता हूँ सेव। सेव कैसे करूँगा, मेरे पास मैंने प्रीवियसली बताया था इस वीडियो के बारे में, हिस्टोरी जो टूल होता है, तो हम लोग को हिस्टोरी विंडो मिलता है, विंडो जो रेंडर हिस्टोरी होता है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके वीडियो मैंने अलग से बना कर रखा, आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो और आगे इधर पर जैसे कि मैंने ये रेंडर निकाला हूँ तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं उसको कंपेयर कर चुकूँ आने वाले रेंडर से। ठीक है, मैंने इधर पे कोई सेटिंग अभी चेंज नहीं किया, सीधा मैंने वीरे कैमरा ऐड कर लिया एंड रेंडर करके देखते हैं। मैं वीरे कैमरा में अभी रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, पेन रेंडर। तो अभी मैं यहाँ पर रेंडर करके देखूँ तो कुछ फ़र्क आता है यहाँ पर कि नहीं आता है। इधर पे आप देख सकते हो काफ़ी डार्क में चले गया पूरा सीन, यानी कि पूरा अंधेरा जैसा हो गया है। तो उसका कारण क्या है वो भी मैं बता दूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो वीरे कैमरा में एक एक्सपोजर ऐड होता है, डिफ़ॉल्ट एक एक्सपोजर ऐड होता है, उस एक्सपोजर की वजह से वो जो कैमरा में पूरा डार्कनेस ऐड हो जाती है। तो इसके लिए उस एक्सपोजर को हमें हटाना होगा। जब उसको एक्सपोजर को हम लोग हटा देंगे तो ये जो डार्कनेस है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं कैसे करूँ, पहले तो मैं वीरे कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इधर पर हम लोग को एक एक्सपोजर, इधर पर कलर एंड एक्सपोजर में आपको एक चीज़ दिखेगी, एक्सपोजर एक मार्क है, एक्सपोजर मार्क है, उसको मैंने अनमार्क कर दिया। फिर मैं रेंडर करके देखता हूँ कि क्या इसमें फ़र्क नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने रेंडर उसका करता हूँ एक्सपोजर बंद करके, फिर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि सेम टू सेम रेंडर आ रहा है। उसको हम लोग कंपेयर करके देखें, जब इसका पूरा फाइनली रेंडर हो जाने देते हैं, पूरा फाइनली रेंडर हो जाने के बाद फिर हम लोग अपने प्रीवियस वाले से और इस वाले को कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, आउटपुट में कुछ हल्का सा डिफरेंस है कि नहीं। ओके, तो ऑलमोस्ट मेरा रेंडर कंप्लीट होने वाला है। इधर पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो देख सकते हो इसको मैं कर लेता हूँ कंपेयर के मोड में, सेट कर लेता हूँ इसको ए। ए मीन्स ये हम लोग का जो ये साइड वाला है वो मेरा ए है, और ये साइड वाला है जो मेरा अभी कौन से कैमरे से, वीरे कैमरे से रेंडर हुआ है। ये वाला मेरा नॉर्मल कैमरे से, ये वाला वीरे कैमरे से। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी फ़र्क नज़र आ रहा नहीं है। अभी इधर पे रेंडर होना बाकी है दोनों इमेज में, आपको देख सकते हो मैं सारा सारा मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, पूरा पूरा ऑल इन ऑल सेम है आउटपुट, और इन ऑल सेम है, बस एक्सपोजर उसमें ऐड था, उसके वजह से डार्कनेस मोड में आ रहा था वीरे कैमरा में। ठीक है,
और क्या होता है कि बोलते हो कि इसके अंदर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नॉर्मल कैमरा और वीरे कैमरा में, तो अभी उसका भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल कैमरा या फिर वीरे कैमरा में चलते हैं, ओके, सबका प्रॉब्लम यही है कि वीरे कैमरा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वीरे कैमरा में आप लोग बोलोगे ये सब सारे होते हैं, फोकल व्यू एंड शटर स्पीड एंड एफ नंबर एंड आईएसओ स्पीड, आईएसओ स्पीड, ठीक है। तो अभी यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ अपने नॉर्मल कैमरा के अंदर, जब नॉर्मल कैमरा में इसको एक्टिव करता हूँ एंड इसको करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग चेक करते हैं क्या इसके अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें मिलती है। इसके अंदर हम लोग को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं फिलहाल। ये मेरा मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना कैमरा है, अभी इसको मैं कर देता हूँ ओके। जो हम लोग को 2000 नए वर्जन में, 2017 में नए वर्जन में मिलता है नया कैमरा, तो उसके जगह पे मैं अभी इसको लगा के देखता हूँ हमारा नया कैमरा। ये मेरा जो कैमरा था ये है जो 2014 में यूज़ करते थे, पुराना कैमरा, उसके अंदर वो सब सारी चीज़ें फीचर्स नहीं थी जो वीरे कैमरा में होती थी, शटर स्पीड एंड बहुत सारी चीज़ें, आईएसओ वगैरह, वो सब सारी चीज़ें इसमें नहीं होती जो पुराने वीरे पुराने कैमरा में जो नॉर्मल कैमरा आता था। मगर फिर भी आप देख सकते हो आउटपुट सेम है। अभी जो हम लोग को मिलता है 17 से लेके 15 में भी हम लोग को मिलता है फिजिकल कैमरा, एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो 3D Max में आता है, उसके ज़रिए भी अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बाकी तो आपने आउटपुट तो देख लिया सेम है, मगर कुछ सेटिंग में बस फ़र्क है, सेटिंग में बस फ़र्क है। मगर जो नया वाला जो आपको दिखा दूँ पर्सपेक्टिव, जो हम लोग को मिलता है नया जो डिफॉल्ट कैमरा जो हम लोग को मिलता है 3D Max के साथ में, नॉट वीरे, 3D Max के साथ में, ठीक है, 3D Max के साथ में मिलता है फिजिकल कैमरा, उसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग अपने वीरे कैमरे से जो वीरे के साथ में आता है, तो उसके अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो वहाँ पर था आईएसओ स्पीड एंड वहाँ पर था आपको जूम ऑप्शन मिलता था, अपाचर मिलता था, जब तो ये सब सारी चीज़ें मिलती थी, सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अभी आईएसओ और आईएसओ चीज़ें नहीं है इधर पे, इधर पे आईएसओ वाली चीज़ें नहीं है, इधर पे है आपको मिलता है शटर स्पीड की जगह पे फ्रेम टाइप शटर, शटर इधर पे भी मिलता है, इधर फ्रेम टाइप शटर को एडजस्ट करना पड़ता है आपको, फ्रेम के हिसाब से अपना स्पीड को एडजस्ट करना पड़ता है, मोशन ब्लर एडजस्ट कर, शटर स्पीड ज़्यादातर आपको मोशन ब्लर में काम आएगा, वो आपको आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा शटर स्पीड कैसे यूज़ करते हैं, मोशन ब्लर कैसे होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे बनाते हैं, वो कैमरा के ऊपर अलग से डिटेल होंगी उसके ऊपर। मगर जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिलती है सेम चीज़ें आपको वीरे में भी मिलेंगी। आप इतना कंफ्यूज मत हो कि हाँ वीरे में अलग चीज़ है, इसमें अलग आउटपुट आएगा, इसमें अलग आउटपुट आएगा, वीरे में अच्छा आउटपुट आएगा, नॉर्मल कैमरा में अच्छा आउटपुट नहीं आएगा, ये सब बेकार की बात है, ठीक है, मेरे हिसाब से, अभी आप जो भी समझो, ठीक है। तो फिर अभी इसके अंदर भी सेम चीज़ें वही चीज़ें मिलती है, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी देखो एफ नंबर यहाँ पर भी आ गया, इसमें भी आप देख सकते हो शटर स्पीड आ गया। अभी बोलोगे आईएसओ तो है नहीं हमारे पास, आईएसओ की जगह पे हमारे पास इधर पे नीचे मिलता है एक्सप्लोजर, एक्सप्लोजर में भी इधर पे आईएसओ एंड इधर पे सारी चीज़ें, यानी कि इधर पे हम लोग एक्सप्लोजर को बढ़ा सकते हैं, जैसे आईएसओ में बढ़ाते थे हम लोग, देखो आईएसओ ऑप्शन गेन आईएसओ मैनुअल आईएसओ ये रहा, इधर पे देख सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ आप दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोग को वीरे कैमरा में भी नज़र आती है। देखो वीरे कैमरा एक्टिव कर रहा हूँ, वीरे कैमरा में आईएसओ इधर पे ही है, अपाचर इधर पे ही है एंड शटर स्पीड इधर पे है और जूम फैक्टर इधर पे है, तो वही सारी चीज़ें हैं, मोशन ब्लर भी वही है, और एक्सप्लोजर को मैंने डीएक्टिव किया तो फिर हम लोग का नॉर्मल हो गया, सेम टू सेम नॉर्मल कैमरा के हिसाब से, ठीक है। बाकी तो ये आईएसओ क्या होता है, ये जो एक्सप्लोजर क्या होता है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था कि वीरे कैमरा और नॉर्मल कैमरा में ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं है जितना सब लोग सोचते हैं कि नॉर्मल कैमरा करने से हम लोग का आउटपुट ख़राब आएगा, वीरे कैमरा करने से हम लोग का आउटपुट और अच्छा हो जाएगा। भाई सबसे पहले अपने मटेरियल और मॉडल के ऊपर काम करो, फिर लाइटिंग के ऊपर काम करो, फिर रेंडर सेटिंग, फिर कैमरा के एंगल के ऊपर ध्यान दो, बाकी क्यों कैमरा के अंदर जो एक्सप्लोजर एंड आईएसओ वो सब सारी चीज़ें होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, कि हम लोग का सब आउटपुट पूरा प्रॉपर होता है, तब उसके बाद उसके आगे प्रोसेस किया जाता है कि हम लोग किस तरह का आईएसओ देना चाहते हैं, कितना हम लोग को शटर स्पीड रखना है, वो हम लोग को
फाइनल आउटपुट में देखना पड़ता है, क्योंकि उसके ज़रिए क्या होता है हमारा रेंडर इमेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उससे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट चेंज होने लग जाते हैं, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस में उसका बैलेंस करना पड़ता है आईएसओ एंड शटर स्पीड में। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। बस इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताया था कि वीरे और नॉर्मल कैमरा में ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है जितना सब लोग ने बना कर रखा है कि नहीं वीरे कैमरा इस बॉस, नॉर्मल कैमरा इज नॉट बॉस, ठीक है। तो फिर मैं ज़्यादातर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी नॉर्मल कैमरा यूज़ करता हूँ बहुत बार। वीरे कैमरा और नॉर्मल कैमरा में डिफरेंस करके कुछ फ़ायदा है नहीं। मेन क्या है, अपने आउटपुट पे ध्यान दो, अपने मॉडल पे ध्यान दो, अपने मटेरियल जो प्लेस कर रहे हो उसकी रिफ्लेक्शन और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी उसके अंदर बम कितना होना चाहिए, उसका रियलिस्टिक दिखने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो रियलिस्टिक टाइल बनाता है उसको, ठीक है। टाइल भी अभी देख सकते हो उसके ऊपर रियलिस्टिक क्यों दिखता है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन आ रहा है। कितने लोग कंफ्यूज हो जाता है रिफ्लेक्शन देना क्यों है, ये रिफ्लेक्शन क्यों है, ये तो कांच तो है ही नहीं। तो वो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। भले ही आप एक कपड़ा भी यूज़ कर रहे हो, भले ही आप एक प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा ग्लॉसनेस होता है, वो सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना, उसका नॉलेज गेन कीजिए। बाकी कैमरे के ऊपर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आने वाले वीडियो में और भी सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ, यानी कि उसके जो आईएसओ होते हैं, आईएसओ किस लिए होते हैं, एफ नंबर किस लिए होता है, स्पीड किस लिए होता है, शटर स्पीड किस लिए होता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड एंड मोशन ब्लर के बारे में भी बना दूंगा वीडियो। और अगर आपको 3D मॉडल चाहिए अच्छी क्वालिटी वाले, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी 3D मॉडल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, उसके अंदर मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का अप्लाई किए गए हैं और लाइटिंग भी मस्त की गई है। अगर इस तरह के 3D मॉडल चाहिए आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए, रेडीमेड फाइल भी आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, आप pixabay.com पे जाके आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पर रेडीमेड फाइल मिल जाएगी और सेपरेट मॉडल भी मिल सकते हैं, प्लांट एंड टी पॉट वगैरह सारी चीज़ें तो इधर पे आपको देख सकते हो, ठीक है, जो आपको अपने इंटीरियर को सजाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और भी काफ़ी रियलिस्टिक बना सकते हैं। जाके विजिट करिए pixabay.com पे और वहाँ पर आपको 50% ऑफ भी मिलेगा, वाओ 50 कूपन डाल के, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि वीरे और नॉर्मल कैमरा में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।